बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम डोनट पिलो बनाएंगे। ये जिसे ज़्यादा टेबल पे बैठा रहना पड़ता है उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेफ्टी है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पेपर जिसके हमने चार फोल्ड कर दिए हैं, और सबसे पहले हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया है। अभी यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 10 इंच है, यहाँ से हम सब 10-10 इंच माप कर हम निशान उठा लेंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। पहले 10 इंच पे हम कट कर देंगे। अब ये जो 3 इंच पे हमने किया है, आधा इंच कम करते हुए 2.5 इंच पे हम कट करेंगे। ये हमने टी शर्ट इस्तेमाल की है, इसके हमने चार फोल्ड कर लिया है इस तरह। ये चार फोल्ड किया है यानी 8 परत बन गए हैं। इस पे ये पेपर को रखकर हम कट कर देंगे। जर्सी बटर हो तो होल कम रखना है। ये और आधा इंच कम कर देंगे हम, यानी 2 इंच पे आप रख सकते हो। 2 इंच का सर्कल बनेगा, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये 2 इंच का हमने सर्कल रखकर कट कर दिया है। अगर सिंपल कपड़ा हो कॉटन का तो आप 2.5 इंच पे कट करें। तो इस तरह हमारे इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड कट हो चुकी है, और अच्छा सा पूरा राउंड कट हुआ है। अब ये जो मिडल में है उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। जो आपको सीधा रखना है वो कपड़ा अंदर की साइड रखें, और इस तरह सिलाई लगा देंगे। अब हमने जो सिलाई लगाई है वहाँ पे 1-1 इंच पे कट लगा देंगे, ताकि जब भी हम पलटी करेंगे तो चुन्नी आएगी और अच्छे से फिनिशिंग आएगी इस पे। ये हमने कट लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ एक हिस्से को पलटी करेंगे। पूरा एक हिस्सा उठाकर बीच में हम जमा करेंगे और आगे की तरफ निकालते हुए सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया है। ये कितना खूबसूरत बीच में राउंड आया है। अब यहाँ से हम 4 इंच कट करेंगे। इसी तरह नीचे का हिस्सा भी कट कर देंगे। अब ये हिस्से को इस तरह घुमाएंगे अंदर की तरफ। ये देखिए, इस तरह अंदर की तरफ घुमा के सिलाई लगा लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा थोड़ा इस तरह बाहर निकलते जाएंगे, हम सिलाई लगाते जाएंगे, और करीब आधे तक हम सिलाई कर देंगे। ये हमने आधे तक सिलाई कर दी है। अब इसे सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया है। अब इसी कपड़े को वापस यहाँ से टर्न करते हुए, जहाँ से हमने सिलाई छोड़े थे वहीं पे हम टर्न करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से सिलाई छोड़े, तो इस तरह टर्न कर लीजिए और सिलाई स्टार्ट करेंगे हम। तो ये इनसाइड सिलाई करना बहुत आसान है। 1 से 2 बार आप देखोगे आसान हो जाएगा। ये दोनों ऊपर नीचे कपड़ा सही पकड़ते हुए हम सिलाई लगा देंगे।
अभी हम लास्ट का कॉर्नर दोनों मिला देंगे। ताकि कोई लूज टाइट ना हो, दोनों कपड़ा सही रखकर हम सिलाई करेंगे। ये हमने सारी सिलाई कर दी है। अब 4 से 5 इंच दूर से हम ओपनर से टाका कट कर देंगे और करीब करीब 4 से 5 इंच ओपन कर देंगे जहाँ से हमें कॉटन भरना है। अब सारा कपड़ा सीधा कर देंगे पहले हम। ये हमने पूरा कपड़ा सीधा कर दिया। अभी जो हमने ये कट लगाए हैं वो सिलाई करेंगे। इसके लिए जहाँ से हमने ओपन रखा है वो हिस्से से अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ से ओपन रखा है तो ये कट वाला हिस्सा इस तरह घुमाकर अंदर की तरफ से सिलाई कर दीजिए। ये देखिए सिलाई हो चुकी है। अब ये जो हमने ओपन रखा है वहाँ से हम इसमें चिंदी या कॉटन भरेंगे। तो हमें थोड़ा हार्ड पीलो चाहिए तो हम चिंदी भर रहे हैं। अगर आपको सॉफ्ट बनाना है तो आप कॉटन भरिए। चिंदी छोटे छोटे टुकड़े में कट होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और सॉफ्ट भी नहीं होगा, मीडियम बनेगा पीलो। तो आप जितना टाइट रखना चाहते हो इतनी चिंदी भर दीजिए इसमें। ये हमने इसमें चिंदी भर दी है। अब ये जो ओपन है इसे हम स्टिच कर लेंगे। आप हाथ से भी स्टिच कर सकती हो। और इस तरह हमारा खूबसूरत डोनट पिलो तैयार हो गया है। ये कितना खूबसूरत लगता है। तो आप ही बनाइए, इस पर बैठकर कितना कंफर्टेबल फील होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।